हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रेनू और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। और रिसेंटली अगर आप अभी मदर बने हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं वो वीडियोज़ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहते हैं कि बच्चे को पहली ठंड में बचाना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सिर्फ बच्चे को पहली ठंड से ही नहीं, बल्कि आप 5 साल तक बच्चे का हर ठंड में आप ध्यान रखिए। क्योंकि अगर बच्चे को एक बार निमोनिया हो गया तो लॉन्ग लाइफ बच्चे को कोल्ड एंड कफ़ जैसी जो बीमारियाँ होती हैं वो अपनी चपेट में लिए रखती हैं। और सिर्फ ठंड में ही नहीं, हल्की सी गर्मी में भी कोल्ड कफ़ होना बच्चे के लिए फिर इजी हो जाता है, यानी कि ये दिक्कतें उनके साथ पूरी उम्र चलती रहती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ छोटे छोटे टिप्स जो बच्चे को ठंड में बचाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर फिर भी बच्चे को ठंड लग जाती है तो एक होम रेमेडी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर बच्चा आपकी फीट पर डिपेंड है तो सबसे पहले आपने अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, खुद को आप ठंड से बचा कर रखिए, क्योंकि अगर आपको ठंड लग जाती है और बच्चा आपका दूध पीता है तो बच्चे को ठंड लगने के ये जल्दी चांसेस हो जाते हैं। ठंड के मौसम में शाम होने के बाद आप कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं, जैसे ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे मूली चावल वगैरह आप अवॉइड कीजिए, बनानास आप अवॉइड कीजिए, और रेफ्रिजरेटर से निकाल करके कोई भी चीज़ ना खाएँ। ठंडे पानी में हाथ देने से आपने बचना होगा, और अगर आप ठंडे पानी के कोई भी काम करते हैं, पोछा या बर्तन या कपड़े धोने वगैरह का, तो उन काम को आप दोपहर के टाइम में निपटाने की कोशिश कीजिए। ये सब काम ख़त्म करने के बाद आप गर्म पानी में अपने हाथ और पैरों की सिकाई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको ठंड लग भी जाती है तो गर्म पानी में अपने पैर डुबो कर रखिए आप 10 मिनट तक। पानी गुनगुना नहीं कहूँगी मैं कि आप गुनगुना ही लीजिए, पानी आप इतना गर्म लीजिए कि जिसको आप बर्दाश्त कर सकें, और जैसे एक छोटे से टब में पानी डाल करके उसके अंदर आप अपने पैरों को रख करके बैठ जाइए और हाथों को भी रख लीजिए। इससे आपके हाथ पैरों की सिकाई हो जाएगी और अगर आपको ठंड लग गई है तो वो भी छूमंतर हो जाएगी। जब भी आप सिर धोकर आते हैं तो कोशिश कीजिए गीले सिर कभी भी बच्चे को फीड ना कराएं, सिर को सुखा करके उसके बाद आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। ये ठंड से बचाने के लिए काफ़ी मायने रखता है। खुद को वार्म अप रखने की कोशिश कीजिए, खासकर सुबह और शाम के टाइम में अपना ज़रूर ध्यान रखिए आप, क्योंकि सुबह और शाम सर्दियों में काफ़ी ठंड हो जाती है, हवा भी तेज़ चलती है। ऐसे टाइम में स्वेटर और सॉक्स और कैप आप ज़रूर पहन कर रखिएगा। हाथ और पैरों की सिकाई वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको पूरी विंटर्स आप ज़रूर अपनाए रखना, और इससे क्या होगा कि बच्चे को भी आप ठंड से बचाए रखेंगे और ख़ुद को भी आप ठंड से बचाए रखेंगे। लेकिन ध्यान देना कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, वरना बच्चों के पैर जल सकते हैं। 6 महीने से ऊपर की एज जिन बच्चों की होती है उनको आप थोड़ा सा शहद और अदरक का रस मिला करके आप चटा सकते हैं। इसकी क्वांटिटी 1/4 स्पून होनी चाहिए, और थोड़ी सी विक्स जो आती है विक्स वेपोरब वो बच्चे की चेस्ट में, बच्चे की पीठ पर और बच्चे के पैरों में थोड़ा सा आप लगा सकते हैं। बच्चे को ठंड में उसकी कैप, ग्लव्स, सॉक्स और स्वेटर वगैरह पहना कर रखिए, और बच्चे को धूप दिखाने भी बहुत ज़रूरी है। दोपहर के टाइम में आप बच्चे को धूप में लेटा सकते हैं थोड़ा सा, और उसकी मालिश कर सकते हैं धूप में लेटा करके। गर्म पानी से आप बच्चे को नहलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।